टीनेज उम्र का ऐसा पड़ाव है ना, जब सही गलत समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप समझदार हो, मेच्योर हो जाते हो कम उम्र में, तो आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लेते हो। एक मेरे पास मेल आई है जो कि मिस डशिश, क्या नाम है उनका मुझे भी नहीं पता। उन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 16 साल है और मैं प्यार में फंस चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे बोलूँ, मैं इस प्यार से कैसे निकलूँ, क्योंकि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। मैं उनसे आकर्षित होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे दूर हो जाऊँ, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं हो पा रही, मैं क्या करूँ। मुश्किल की बात ये है कि इस एज में हर टीनेज बच्चा कभी ना कभी अट्रैक्शन का शिकार हो जाता है, यानी किसी से प्यार लगता है कि किसी से प्यार हो रहा है। एक्चुअली ये प्यार नहीं होता, ये अट्रैक्शन होता है, जो कि आप प्यार को नाम देते हो, क्योंकि आप उस समय आपके हार्मोन्स बहुत तेजी से काम करते हैं, तो आपको लगता है नहीं ये तो प्यार ही है। लेकिन 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 आपको उस समय अपने करियर पर ध्यान देना होता है। कैसे? अगर खुद को बेहतर बनाना है, खुद को इस प्यार से निकालना है, तो कुछ सिंपल से टिप्स आज हम आपको बताएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे और आप इस प्यार से बाहर निकल पाएंगे। टीनेज खुद को कैसे संभालें, कुछ सिंपल से टिप्स। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंगदे जिंदगी। ये तो मुझे भी पता है कि बहुत आसान तो नहीं होता किसी को भी भूलना और आगे बढ़ना, लेकिन अगर आपको अपने करियर में कुछ करना है, उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालना है ना, तो बहुत सिंपल से कुछ टिप्स बताती हूँ, उसे आजमाइए, आप पक्का अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे और उस प्यार से बाहर निकल पाएंगे। तो चलिए बताएं कैसे। सबसे पहले ना, खुद को टाइम दीजिए, ब्रेक दीजिए, क्योंकि ब्रेक देना भी बहुत ज़रूरी है। आप थक गए हो इन करियर और प्यार के चक्कर में, आप फंस चुके हो, तो खुद को पहले ब्रेक दीजिए, यानी आप खुद को टाइम दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, थोड़ा टाइम ऐसा बिताइए जो कि आपके लिए हो। अगर आपने ऐसा किया ना, तो आपको लगेगा कि मेरी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। आप उनकी लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके खुद की लाइफ को भूल चुके हो, तो सबसे पहले खुद की लाइफ को रिमाइंड कीजिए कि मेरी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब खुद को अहमियत देंगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, ये पहचानना आसान हो जाएगा। क्योंकि ना, सोशल मीडिया थोड़ा खतरनाक तो होता ही है। क्यों? क्योंकि आप ना जब भी उनसे दूर जाने की बात सोचते हो, वो सामने आ जाते हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, तो कभी कहीं पे। तो इसलिए ना, आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना होगा, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया से दूर नहीं रहेंगे, तो उनका हाय हेलो आता रहेगा, या वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। तो सबसे पहले सोशल मीडिया को थोड़ा साइड कीजिए, ताकि आप अपने करियर पे फोकस लाने के लिए कुछ प्लान कर सकें। अब आपको स्टडी के लिए प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे करनी है? जो भी आपका करियर आपने चूज किया है, उस पर थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आपने स्टडी के लिए थोड़ा टाइम सोचा था, तो स्टडी कीजिए। अगर आपने कुछ गेम्स जो कि आपको आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिए। यानी आपने जिस फील्ड में खुद को बेहतर बनाने की प्रॉमिस की थी, उसको प्लान कीजिए कि कब कब आपको क्या क्या करना है, उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। आप बिजी हो जाओगे ना, जितने ज़्यादा आप बिजी होगे, आप उतने ज़्यादा उनसे दूर हो पाओगे। तो सबसे पहले ना, खुद को बिजी करना बहुत ज़रूरी है। खुद को बिजी करेंगे ना, तो हम उनसे दूर चले ही जाएंगे। सबसे पहले आपको खुद को बिजी करना होगा। जो भी है आपका करियर, आपने जो भी चूज किया है, उस करियर में आप इतने डूब जाओ, इतने व्यस्त हो जाओ कि आप उन्हें याद ही ना कर पाओ। तो सबसे पहले खुद को बिजी करना है, प्लानिंग कर लीजिए। इसके बाद मुझे क्या करना है। जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा, तो आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं उन्हें फिर से याद कर रहा हूँ, ये याद कर रही हूँ ना, तो बस ग्रुप स्टडी कर लीजिए, बुला लीजिए अपने फ्रेंड्स को और उनके साथ ग्रुप स्टडी कीजिए। लेकिन ये रोना धोना मत कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे या भूलने की कोशिश करेंगे ना, दोनों ही खतरनाक होता है। ना ही आप याद करने की कोशिश कीजिए और ना ही भूलने की कोशिश कीजिए, बस अपने काम पर फोकस कीजिए। जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे ना, ना आप उन्हें याद करेंगे और ना ही भूलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ रोमांचक चीज़ें दिखती हैं या आपको प्यार में ही कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है, तो ही तो आप आकर्षित होते हो ना, तो आपको करियर में भी कुछ रोमांचक चाहिए, यानी कि आपको अट्रैक्शन चाहिए उस पढ़ाई के प्रति। उसके लिए कुछ प्लान कीजिए, कुछ टाइटल लिख दीजिए, आप दीवारों पे कुछ कुछ लगा दीजिए और उसमें कुछ कुछ टैग लिख दीजिए, कुछ ऐसे टैग कोड्स लिख दीजिए जो आपको बार बार उनकी ओर प्रोत्साहित करें। आपके रूम में जहाँ आप देखें वहाँ आपको वही दिखे,
जिससे होगा क्या कि आपको अपने करियर के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो कुछ कोट्स ऐसे लगा दीजिए, मोटिवेशनल कोट्स लगा दीजिए अपने रूम में कि आप जब भी उन्हें देखें तो बिल्कुल बस आपको करियर के अलावा कुछ भी नजर ना आए। अच्छा, ऐसे लोग भी जरूर होते हैं जो जिनको ये पता होता है कि आप प्यार में थे या आप किसी से अट्रैक्ट थे, तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा दूरी बनाइए क्योंकि वो बार बार ना कहीं आपको याद दिलाते रहेंगे। तो उनसे दूरी बनाइए या फिर उनको स्टॉप कर दीजिए कि अब इस मैटर पे नेक्स्ट टाइम हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें अब करियर पे पूरा फोकस करना है। तो उनको वहाँ स्टॉप करना ज़रूरी है या फिर उनसे दूरी बनाना ज़रूरी है। अगर ब्रेकअप भी हुआ है ना तो भी आपको उन्हें भूलना ही होगा और जितनी जल्दी हो सके उन्हें माफ़ कर देना होगा, क्योंकि आप उन्हें माफ़ करेंगे तभी तो आप खुद को हैप्पी फील कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें माफ़ नहीं किया ना तो आप हैप्पी नहीं हो पाएंगे और अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए जहाँ वो जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। एक प्यारा सा फंडा है, जो जाना चाहता है उसे जाने दो और जो आना चाहता है उसे आने दो, यानी अपने करियर को आने दे रहे हैं या अपने प्यार को। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और जो जा रहा है, अगर आपका प्यार आपसे दूर जा रहा है तो आप इसे गुड लक मानो, क्योंकि अगर वो जा रहा है तभी तो आप अपने करियर पर फोकस कर पाओगे और अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। उस समय आपको रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रो दोगे, हाँ अगर बहुत मन करता है ना तो एक बार उनके लिए रो लीजिए, मन भर कर रो लीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको उनके लिए नहीं रोना है। आप खुद से प्रॉमिस कर लीजिए और पूरा पूरा फोकस आपको करियर पे करना है। इस चीज़ के साथ, इस मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना होगा। उन जगहों पे आपको कम जाना चाहिए जहाँ वो आपसे टकरा सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ तो वो बंदा मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ वो बंदी मिलेगी मिलेगी, तो वहाँ जाने से थोड़ा सा परहेज कीजिए, क्योंकि आप जब जब उनसे मिलेंगे तो आपको फिर से सारी चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। तो इसलिए आपको ऐसी जगहों जाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। अगर ऐसी जगहों पे वो आपसे बार बार मिलते हैं, जैसे कि स्कूल है, वो आपके क्लासमेट ही हैं, तो फिर कैसे उनसे दूर जाए? तो बिल्कुल सिंपल है, जितना फोकस आप अपने करियर पे करोगे, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में रहोगे, उतने ज़्यादा आप उनसे दूर हो पाओगे। लेकिन अगर आप उनसे बार बार आँखें चुराओगे ना तो भी गलत हो जाएगा। तो क्लियरली आप उनसे आँख में आँख डाल के बात कीजिए और अपने करियर के लिए ही बातें कीजिए, जितना हो सके करियर के लिए ही बातें कीजिए। उन्हें सुनाई दे कि आप अपने करियर में पूरा फोकस कर चुके हैं, अब आप इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकते। जब उन्हें रियलाइज हो जाएगा ना तो वो आपसे दूर ऐसे ही चले जाएंगे। दुनिया बहुत छोटी है ना, तो हो सकता है कि आप कभी ना कभी उनसे फिर से टकराएं जब आपका करियर बन जाए। फिर आप देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो प्यार था या फिर अट्रैक्शन, एक बार फिर से आजमा सकते हैं। लेकिन तब तक आपको फुल स्टॉप लगाना है और अपने करियर पर पूरा फोकस करना है ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो पाए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जारी रहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो देख सकें।